दें कि बीती रात आए भीषण तूफान का कहर देखने को मिला, जहां पर जिले भर में हुए अलग अलग हादसों में 10 लोगों की मौत की खबर है। टोंक में 3, निवई में 3, टोडा रायसिंह में 1 और मालपुरा में 2, जबकि उनियारा में 1 की मौत हुई है। उधर 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। कहीं पर दीवार गिरी और कहीं पर टीन शेड की चपेट में आने की वजह से मौत हुई है। 3 मृतकों का टोंक सादत अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम चल रहा है। जिले भर में अलग अलग इलाकों में दर्जनों मवेशियों की भी मौत हुई है। हादसों से गांव से लेकर शहर तक कोहराम मचा है। तो कल जिस तरीके से प्रदेश के कई जिलों में आंधी और तूफान और तेज बारिश देखने को मिले, अब ऐसे में टोंक जिले में कहर बरपा है भीषण तूफान का। आपको बता दें कि जिले भर में अलग अलग हादसों में 10 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। उसमें टोंक में 3 लोगों की मौत की खबर है, निवाई में 3 लोगों की मौत की खबर है, टोडा रायसिंह में 1, मालपुरा में 2 लोगों की, तो वहीं उनियारा में 1 की मौत की खबर सामने आई है। और इसके साथ ही कई लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। और हमारे सहयोगी पुरुषोत्तम जोशी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। पुरुषोत्तम, कल जिस तरीके से तूफान आया, साफ तौर पर कहर बरसाता हुआ ये तूफान आया है, कई हादसे यहां पर हुए हैं, आपसे जानकारी चाहेंगे क्योंकि कई लोगों की मौत की सूचनाएं हैं, कई लोग घायल हैं, क्या वहां पर तस्वीरें नजर आ रही हैं, किस तरीके से जो घायल है उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, क्या जानकारी? देखिए बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं हमारे दर्शकों को अपडेट करूं कि टोंक जिले में करीबन 1 दर्जन लोगों की मौत हुई है। फिलहाल 10 लोगों की मौत की पुष्टि यहां पर हो चुकी है, जिसमें दो मासूम बच्चे हैं, कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ महिलाएं हैं, और इन सभी मृतकों के शव जो है शवों को टोंक सादत अस्पताल लाया जा चुका है, जिसमें 300 टोंक शहर के हैं, 1 टोडा रायसिंह से लाया गया है, इसके साथ ही उनियारा, निवाई, मालपुरा यहाँ पे हादसों के अंदर लोगों की मौत हुई है। अब तक करीबन 1 दर्जन भर लोगों की मौत की सूचना है, साथ ही कई मवेशी हैं, कई पक्षी हैं जिन लोगों की मौत हुई है। जिन लोगों से भी हमने बातचीत करने की कोशिश की रात के बवंडर को लेकर, हर कोई उस मंजर को याद करके शिहर उठता है। लोगों से जब हमने बात की तो वो कह रहे थे कि इतना भयंकर तूफान हमने कभी नहीं देखा। इस तूफान में मकानों की दीवारें ढह गई, मकानों की छतों पर जो 3 छप्पर लगे हुए थे वो 3 छप्पर उड़कर एक जगह से दूसरी जगह चले गए। जब हम तस्वीरें और देखते हैं तो 3 छप्पर इस तरह से टूट कर गिरे हैं जैसे कागज की कश्ती बनाए और उसको लोग उखाड़ कर फेंक दें। इस तरीके से मंजर यहाँ पर टोंक जिले के अंदर देखने को मिला है। फिर चाहे बात निवाई की हो, टोंक जिला मुख्यालय की हो, देवगी उनियारा की हो, टोडा मालपुरा की हो, तमाम जिले के तमाम उपखंडों में, ग्रामीण अंचल में जिस तरह के हालात हैं, और हालात उसके बाद और भयंकर हैं कि जब पिछले 24 घंटों से विद्युत विभाग के जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। तमाम तरीके की विद्युत लाइनें टूटी है, कहीं विद्युत पोल टूटने की सूचना है, विद्युत अधिकारियों के लगातार पिछले फोन स्विच ऑफ है, यहाँ तक की जो अधीक्षण अभियंता है उनके फोन स्विच ऑफ आ रहे हैं, जो JNIM के लेवल के अधिकारी उन तमाम अधिकारी कर्मचारियों के फोन स्विच ऑफ है। ग्रामीण लोग सूचना देने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ तार टूटा हुआ है, यहाँ पे हादसा हो सकता है, लेकिन उस सूचना को लेने वाला कोई अधिकारी तैयार नहीं है। तो जब बात जरूरत की आती है, जब बात जिम्मेदारी की आ जाती है, तो अधिकारी फोन स्विच ऑफ कर लेते हैं। देखिए, बड़ी लापरवाही भी यहाँ पर सामने आ रही है। और इसके साथ ही जो कहर बनकर कल का तूफान टूटा वो भी साफ तौर पर बरसता हुआ नजर आया है। 10 लोगों की मौत की जो पुष्टि हुई है यहाँ पर हो चुकी है। बताया जा रहा है कि 1 दर्जन लोग यानी कि यहाँ पर मौत की खबर सामने आई है, लेकिन फिलहाल सूचना है 10 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, कई लोग घायल हुए हैं। पुरुषोत्तम, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे